आगे बढ़ते हुए दिल्ली एनसीआर की हवा से जुड़ी हुई बात एक बार फिर से करेंगे, जहां पर हवा प्रदूषित हो रही है। इस हवा में जहर घुल रहा है और ऐसे में दम घुट रहा है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों का आज सांस लेना तक मुश्किल हो गया है, क्योंकि AQI 800 के पार है दिल्ली के कई इलाकों में, और दिल्ली से ज्यादा नोएडा में मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली में अब इसका नतीजा यह है कि GRAP 3 लागू कर दिया गया है, और बावजूद इसके किसी भी तरह का कोई सुधार AQI में दिख नहीं रहा। नोएडा गाजियाबाद का हाल बहुत ज्यादा बुरा है। गुरुग्राम से लेकर फरीदाबाद तक हवा जहरीली हो गई है, और मुश्किल अब ये है क्योंकि सांस इंसान लेगा ही, और इस हवा में जब जब सांस वो ले रहा है, जब घर से बाहर निकल रहा है स्पेशली, तब उसे सांसों में घुटन महसूस हो रही है, गले में खराश हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। हो सकता है कि एकदम से ये प्रभाव आपकी सेहत पर ना दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रभाव और ज्यादा घातक आपकी सेहत के लिए साबित हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण अब पहुंच चुका है। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 800 के पार पहुंच चुका है। अंदाजा आप लगाइए, ये बेहद गंभीर श्रेणी है। ग्रैप का तीसरा चरण अब लागू कर दिया गया है, जिसमें जो गैर जरूरी निर्माण के कार्य हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम जिसे हम कहते हैं, वो अब बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में 2 दिन तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। 5वीं तक के स्कूल, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, ऐसे 5वीं तक के स्कूलों को बंद किया गया है इसी प्रदूषण को देखते हुए, ताकि छोटे बच्चों को कम से कम इस प्रदूषण में घर से निकलना ना रहे, उनकी सेहत बेहतर रह सके। दिल्ली एनसीआर में अलग अलग इलाकों का अलग अलग AQI है, लेकिन फिक्र वाली बात यह है कि सुबह के वक्त ये AQI 800 से भी ज्यादा था। आनंद विहार में ये 900 के पार था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा है, जैसे जैसे सूरज निकला है या फिर थोड़ी बहुत हवा चली है, वैसे वैसे ये धूल की मोटी परत, थोड़ा बहुत इसमें सुधार होता है। लेकिन फिक्र की बात ये कि पूरा दिन बीत जाता है, आपको सूरज की चमक उस तरीके से नहीं दिखेगी। ये जो धूल की मोटी परत है, ये देखने में ऐसे लगती है जैसे सर्दियों में कोहरे की स्थिति होती है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है, जो आपकी और हमारी सांसों के लिए बेहद खतरनाक है। 6 तस्वीरें अब आप देख लीजिए, इसमें दिल्ली की तस्वीरें हैं, नोएडा की तस्वीरें हैं, और मुंबई का भी हाल ऐसा ही अमूमन माना जा रहा है, क्योंकि जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जो अगर आसपास गांव के इलाके हैं, वहाँ पराली जलाने का ये वक्त है, सर्दियों की शुरुआत हो गई है, हवा उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही है, और ये जो धूल के कण हैं, ये कंस्ट्रक्शन से भी उठते हैं, ये जो धूल के कण हैं ये हवा में ठहर गए हैं और मोटी परत के तौर पर अब कोहरे जैसे दिखाई दे रहे हैं, और तभी ये धुंधली 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ऐसी 6 नहीं, अनगिनत तस्वीरें दिल्ली एनसीआर से, मुंबई और बड़े शहरों से सामने आ रही हैं, जहां पर हवा साफ नहीं है, जहां पर हवा में जहर घुला है। ऐसे में बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज़ आपसे यही अपील कर रहा है, बेवजह घर से मत निकलिएगा। इंडिया न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर भी पहुँचा, इंडिया गेट से ब्रायन की रिपोर्ट आप देखिए। इंडिया गेट पे है हम अभी, और आप देख सकते हो कि इंडिया गेट का माहौल, जो दिल्ली का माहौल है, वो काफ़ी वेरी पुअर कैटेगरी में बढ़ता जा रहा है। अभी 6 दिन लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में है, और दिल्ली अभी के टाइम पे सबसे पोल्यूटेड सिटी में से एक माना जा रहा है। 5 साल में दिल्ली सबसे पोल्यूटेड सिटी माना जा रहा है। सारे जो CM है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो है, सारे स्कूल्स को 2 दिन के लिए छुट्टी दे दिया है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ोतरी में है, 400 से ज़्यादा भी हो गया है। कल भी आनंद विहार के पास 500 तक क्रॉस कर गया था, और अभी भी पीछे राष्ट्रपति भवन आप देख पा रहे हो, जो कि लिटरली जो कि विजिबल है नहीं, विजिबिलिटी जीरो है, विजिबिलिटी काफ़ी पुअर है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी है वेरी पुअर कैटेगरी में है। हम किसी से बात करने का भी कोशिश करेंगे और उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि वो ये महसूस कर पा रहे कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो पॉल्यूशन है, वो काफ़ी बढ़ोतरी में है। सर, पहले तो आप यहाँ वॉकिंग के लिए आए हो या किस लिए? मैं वॉकिंग के लिए आया हुआ। तो सर, जैसे नॉर्मल टाइम में आप वॉक करते हो और ये टाइम पे वॉक कर रहे हो जबकि इतना पोल्यूशन है, विजिबिलिटी जीरो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ोतरी में, तो ये क्या डिफरेंस आप कुछ देख पा रहे हो? देखिए, मैं तो राजस्थान जोधपुर से हूँ और यहाँ कुछ पॉलिटिकल काम से आया हुआ हूँ, और जिस तरीके से दिल्ली की हालत है, हम सब लोग जो हिंदुस्तान में बाहर दूर दराज बैठे हैं, वो सब लोग दिल्ली को देख करके मानते हैं कि दिल्ली हमारी राजधानी है और दिल्ली एक तरह के स्वर्ग है, जैसा कि लुटियंस जॉन स्वर्गनुमा बना रखा है। मेरा स्पेशली दिल्ली सरकार से और मोदी जी से स्पेशली कहना है कि ये भगवान, इसको दिल्ली को बचा लो, इस हिंदुस्तान में, इस दिल्ली में रहने वाली जनता को बचा लो। जिस तरीके का पॉल्यूशन इंडेक्स यहाँ बढ़ता जा रहा है, मैं तो पिछले 2-3 दिन से यहाँ हूँ और आज ही पहली बार बाहर निकला हूँ देखने के लिए,
और मैं देखता हूं कि दिन को भी यहां ये इंडिया गेट नहीं दिख रहा है, तो इससे बड़ी बुरी स्थिति हमारी क्या होगी। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम दूसरी बातें करते हैं, और जनता को रहने के लिए जो फ्री में मिल रहा है ऑक्सीजन, उसका प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन नहीं दे पा रहे। इससे बड़ी दुर्घटना या बड़ी सबसे बड़ी नीची बात क्या हो सकती है, ये मेरा कहना है। धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बढ़ोतरी है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। डॉक्टर्स ने भी अपील जारी किया है, एडवाइजरी जारी की है कि घर से मत निकलिए, बाहर मत निकलिए, अगर ज़रूरत पड़े तभी निकलिए, अगर बहुत ज़रूरत हो तभी निकलिए, वरना आप घर पे ही रहिए। और अगर आप घर से निकल रहे हो तो मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क पहनना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली आस्थमा पेशेंट्स, प्रेग्नेंट वीमेन, जो एल्डरली से बुजुर्ग है, उनको घर रहने के लिए कहा जा रहा है डॉक्टर से, क्योंकि उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि ब्रीदिंग 4 से 5 टाइम ज़्यादा बढ़ गया है, इरिटेशन, आँखों में इरिटेशन, जबकि हम बाहर भी जब जा रहे हैं, हम गाड़ियों में देख रहे हैं कि डबल इंडिकेटर्स लगा के जा रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी ज़ीरो है, विजिबिलिटी ना के मात्र है। इंडिया न्यूज़ से मैं ब्रायन एंथनी थॉमस, कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ। नई दिल्ली में एयर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, क्योंकि लगातार सांस लेना यहाँ पर जो है दूभर होता जा रहा है, क्योंकि एयर क्वालिटी जो है वो सीवियर कैटेगरी में डिप कर चुकी है कई पार्ट्स में दिल्ली के। तो हम आपको बता दें, इस वक्त हम कनॉट प्लेस में खड़े हैं और एवरेज AQI भी जो चल रहा है वो 400 से ऊपर चल रहा है, जो कि सीवियर कैटेगरी के अंदर आता है। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कैमरे के थ्रू, तो आप देख सकते हैं राइजिंग पोल्यूटेंट्स का जो इफेक्ट है वो हवा में साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है और एक धुंधलापन जो है हर जगह छा चुका है। ऐसा लगता है कि एक थिक लेयर है जो पोल्यूशन की, उसने जो है दिल्ली को पूरी तरीके से जकड़ लिया है, आप देख सकते हैं। और अगर हम आपको बताना चाहें तो दिल्ली का AQI जो है वो धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है, और जो PM जो कॉन्सेंट्रेशन होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का, वो भी जो है 7 से 8 गुना बढ़ चुका है कई लोकेशंस पर दिल्ली की, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। और आपको बता दें कि स्टबल बर्निंग, जिसको हम पराली जलाना भी बोलते हैं, उसके वजह से भी जो पोल्यूशन है 25% दिल्ली का पोल्यूशन पराली जलाने की वजह से है, और वो धीरे धीरे जो है बढ़ भी सकता है। पर दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है 2020 से अब तक सबसे ख़राब रही है, क्योंकि बारिश भी जो है काफ़ी कम देखने को मिली है, और जो डस्ट है वो धीरे धीरे जो है यहाँ पर सेटल होता रहता है। तो जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 3 लागू कर दिया है, जिसमें कई सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, डिमोलिशन एक्टिविटीज़, और आपको बता दें 2 दिन के लिए स्कूल्स भी जो है क्लोज रहेंगे, क्योंकि कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि दिल्ली के जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल्स, वो क्लोज रहेंगे 2 दिन के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और मेट्रो भी जो है कई और ट्रेन चलाएगा, जिससे कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें और अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ज़्यादा ना यूज़ करें, क्योंकि व्हीकुलर पोल्यूशन जो है वो भी बहुत होता है। तो हम आपको, आप जैसे कि देख सकते हैं, हर जगह अगर हम आपको कैमरा पैन करके दिखाएं तो साफ नज़र आता है कि पोल्यूशन जो है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। इस बढ़े हुए पोल्यूशन में ये जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है आप तक पहुंचाना चैलेंजिंग है, लेकिन रियल सिचुएशन क्या है आप ठीक तरीके से समझ पाएं, इसीलिए इंडिया न्यूज़ के संवाददाता जगह जगह ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण से हालात बेहद ज़्यादा गंभीर इस वक्त हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति पहले से बदतर हो गई है। राजधानी दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों की स्थिति खतरनाक है, गंभीर श्रेणी में AQI बना हुआ है। इसीलिए दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन के काम है, जो कि गैर ज़रूरी हैं, उन पर प्रतिबंध है। डीजल ट्रकों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। साथ ही साथ जो बाकी राज्यों से आने वाली डीजल बसें हैं, जो पुरानी है, कई कई साल पुरानी है, उनका मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ है, उन बसों पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली में अब GRAP 3 लागू कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो 5वीं तक के स्कूल हैं उन्हें बंद किया गया है 2 दिन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन अभी प्रदूषण की दिल्ली NCR में बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश है कि एंटी स्मॉग गन, यानी कि जो पानी का छिड़काव जगह जगह हो रहा है, उससे थोड़ी राहत मिल सके। साथ ही साथ जो डीजल बसें हैं, डीजल ट्रक हैं, उनके आने पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि इस बढ़े हुए AQI को कम किया जा सके, हवा थोड़ी सी भी साफ हो जाए। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर अब दिन के साथ साथ लगातार बढ़ रहा है। दिवाली में अभी कुछ दिन बाकी हैं, अंदाजा लगाइए दिवाली पर क्या होगा। हवा लगातार खराब हो रही है, दिवाली से पहले ही दम घोटू हो गई है राजधानी की ये हवा। दिल्ली के कई हिस्सों में धूल की ये मोटी परत आपको दिखाई देगी। दिल्ली सरकार ने आज आपात बैठक भी बुलाई है, 12 बजे ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, ताकि प्रदूषण कैसे कम किया जा सके, क्या रोकथाम हो सके, इसको लेकर बात हो।
दिल्ली के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर 800 और 900 के पार है AQI। ऐसे में अनुमान आप लगाइए कि कितनी ज्यादा दिक्कत दिल्ली NCR के लोगों को हो रही होगी। बेवजह आप घर से मत निकलिएगा। आनंद विहार से अनिल चौधरी की रिपोर्ट देखिए और समझिए। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन का स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंचते ही ग्रैप 3 लागू कर दिया गया। ग्रैप 3 लागू होने के बाद तमाम पाबंदियां अब लगा दी गई हैं और युद्ध स्तर पर पॉल्यूशन को मात देने के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे में आनंद विहार इलाके में मौजूद हैं और किस तरीके का काम किया जा रहा है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। किस तरीके से सड़कों पर लगातार छिड़काव किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर काम आपको दिखाई देगा, किस तरीके से पॉल्यूशन को मात देने का काम किया जा रहा है। हालांकि एक नहीं 11-11 गाड़ियां आपको यहां पर स्मोक गन द्वारा छिड़काव करती हुई दिखाई देंगी। सीधी तस्वीरें दिल्ली के ईस्ट इलाके से हम दिखा रहे हैं जो कि आनंद विहार इलाके का है। एक नहीं बल्कि 11-11 गाड़ियां जो हैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं और लगातार जो है छिड़काव किया जा रहा है सड़कों पर, जिससे पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियां हैं बिल्कुल तैयार हैं, लगातार पॉल्यूशन को कम करने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी तस्वीरें भी दिखाऊंगा किस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है। तो जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं आनंद विहार इलाके के पास जो बनी हुई हैं वो आपको धुंधली सी दिखाई देंगी। ये कोई कोहरा नहीं है, ये पॉल्यूशन की वो चादर है जिसने पूरे दिल्ली NCR को अपनी आगोश में लिए हुए है। और सड़कों पर भी आप देख सकते हैं पानी सूख नहीं पा रहा है। लगातार जो है दिल्ली सरकार द्वारा अब ये काम किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पॉल्यूशन से छुटकारा मिल सके। लगातार छिड़काव जो है दिल्ली के तमाम इलाकों में देखा जा रहा है। हालांकि कितना ये असरदार होगा ये तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से गोपाल राय मंत्री द्वारा ये भी कहा गया है कि इम्प्लीमेंट जरूर किए जाते हैं, तमाम कागजी कार्रवाई जरूर की जाती हैं, पर अधिकारी उस लेवल पर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए एक आज मीटिंग भी बुलाई गई है। उस मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि ग्रैप लागू जिस तरीके से किया गया है तमाम पाबंदियां हैं वो जमीनी स्तर पर दिखनी चाहिए। NCR की दम घोटू हवा हो चुकी है। अगर हम वही बात ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो आज की हवा जहरीली है, लोग हैं वो जहरीली सांस ले रहे हैं, क्योंकि आज का AQI लेवल है वो कल के मुकाबले बड़ा है। आज लगभग 450 के आसपास AQI लेवल है वो ग्रेटर नोएडा का देखा गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर सफेद सी चादर की परत है वो जमी हुई है, चारों तरफ आपको धुंध ही धुंध नजर आ रही होगी। कह सकते हैं कि जो सामने आपको सफेद सफेद नजर आ रहा होगा यह कोई कोहरा नहीं है, यह पॉल्यूशन है जो कि NCR में किस तरीके से चपेट में है। तो कह सकते हैं कि NCR की हवा है वो हर साल की तरह इस साल भी खराब है। वही नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात की जाए वो भी काफी खराब हो चुकी है हवा, तो लोग है वो जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर है। जिस तरीके से लगातार AQI लेवल का ग्राफ बढ़ रहा तो हम कह सकते हैं जब हम सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो लोग जहरीली सांस लेते हैं, क्योंकि जब वॉकिंग पर जाते हैं या पार्क में जाते हैं या किसी भी स्थान पर जाते हैं तो हमारा दम घुटता है और हम जहरीली सांस ले रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड अगर कोई जिला है तो वो गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ कल और आज में जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा है वो सच में हैरान कर देने वाला है। कल यहाँ AQI जो था 600 के पास गया था, आज भी स्थिति वैसे ही बनी है, चारों तरफ धुंध छाया हुआ है पॉल्यूशन के कारण, जो लोग बेहद परेशान हो रहे। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए किस तरीके से जो नोएडा की स्थिति है किस तरीके से ख़राब है। ये पॉल्यूशन आपको दिखाई देगा चारों तरफ, आसमान में जो धुंध है उसके कारण लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और ये तस्वीरें नोएडा के देखिए सुबह का वक्त है, उसके बावजूद भी जो पॉल्यूशन का लेवल है आपको चारों तरफ दिखाई देगा। और ये जो धुंध है वो आपको तस्वीरों में दिखाई देगा किस तरीके से सड़कों पे जो धुंध है और आसमान बिल्कुल एकदम छाया काले बादल की तरह, इसमें जिसे ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली हो, मगर असल में ये धुंध है जो पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है। और इस पॉल्यूशन के कारण जो लोग हैं काफ़ी परेशान हो रहे हैं। दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो पॉल्यूशन आपको दिखाई देगा, क्योंकि
अब जो स्थिति है बेहद गंभीर हो चुकी है, खासकर नोएडा की। तो यहाँ ग्रैप 3 लागू कर दिया गया, तमाम कंस्ट्रक्शन साइट को अब बंद कर दिया गया है, जिसके कारण पॉल्यूशन होता था। मगर कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि आने वाले वक्त में इसी तरह का अगर पॉल्यूशन रहा तो जो चीज़ें हैं वो और ख़राब होती जाएंगी, क्योंकि हमने देखा अभी लगातार नोएडा के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पॉल्यूशन का लेवल है, जो कि आम जनता के लिए बेहद खतरनाक है। इंडियन न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी और जाना दिल्ली एनसीआर में हवा कितनी ज़्यादा जहरीली है। स्पेशली पिछले 6 दिन से हवा और ज़्यादा खराब हो गई है। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव भी हो रहा है, लेकिन नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि इन सब के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। कोई सुधार नहीं हवा में। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही आसमान में पोल्यूशन की चादर छाई हुई है। लोग अपने घरों से मास्क लगाकर निकल रहे हैं। पोल्यूशन से लोगों को आंखों में जलन हो रही है, सिर में दर्द जैसी शिकायत हो रही है, सीने में भारीपन आपको होगा, गले में खराश आपको होगी और स्किन पर रैशेज हो सकते हैं, इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ये अलग अलग परेशानी है जो दिल्ली एनसीआर के लोग स्पेशली झेल रहे हैं। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री क्या रोकथाम को लेकर कह रहे हैं, गोपाल राय को सुनिए। जिस तरह से मौसम ने एक ठहराव लिया है, उससे पूरे उत्तर भारत के अंदर एक ही स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में तो बल्कि कई जगहों पे अगर 40 स्टेशन देखें तो 4 की स्थिति थोड़ी खराब है, बाकी जगह बाकी अगर एनसीआर के राज्यों से देखें तो उससे बेहतर स्थिति दिल्ली के अंदर है। लेकिन जिस तरह का अभी अनुमान देखा जा रहा है कि अभी जो अगला 15 दिन है वो दिल्ली के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। हवा की स्पीड जो है वो लो पे है और पूरी तरह से जो टेम्परेचर डाउन जा रहा है, दिल्ली का जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि अभी ये जो 15 दिन हैं ये काफ़ी क्रिटिकल हैं और उसको देखते हुए ही अब आज से दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 के नियम जो है लागू कर दिए गए हैं। अभी 12 बजे हमने सभी जितने कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी गोपाल राय कह रहे हैं कि AQI कंट्रोल करने के लिए, यानी कि दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए जरूरी कदम दिल्ली सरकार उठा रही है। आज 12 बजे इमरजेंसी मीटिंग भी है, लेकिन बीजेपी हमलावर हो गई है। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर राजनीति अब हो रही है। बीजेपी के कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, सुनिए। ऐसी मजबूरी हो चुकी है दिल्ली वासियों की कि वो एक गैस चेंबर में रह रहे हैं और इस गैस चेंबर को बनाने में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। हर जगह पर आप देखें AQI 500, 600, कई जगहों पर 700 के पार हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब की पराली मुख्य रूप से जिम्मेदार है, हालांकि हम ये नहीं मानते थे, पंजाब की पराली को उन्होंने दोष दी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, वहां पर 750% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ चुकी है, ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और जो दिल्ली के मुख्य कारण है प्रदूषण के, जिसमें कि व्हीक्यूलर पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का डस्ट है, रोड का डस्ट है, इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है आज तक। अरविंद केजरीवाल जी बायोडिकम्पोजर लाकर पंजाब में छिड़कने वाले थे, 68 लाख रुपए का बायोडिकम्पोजर बना, 23 करोड़ रुपए उसके विज्ञापन पर खर्च हुए। पंजाब की पराली आज भी जल रही है और बढ़कर जल रही है। दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है, बच्चे घर से बाहर निकले तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। जिसको जिस तरह से फैक्ट चेक करना हो कर ले। मैंने बहुत ही प्रयोग के बाद, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक के लोगों के रिसर्च के बाद ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरी देश दुनिया में घूम रहे हैं। दिल्ली अपनी किस्मत को कोस रही है।